हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। मैं आपका दोस्त विजय लेकर आया हूँ टॉप 10 सीरीज का एक नया वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की 10 ऐसी कंट्रीज के बारे में जहाँ पर आप इजीली सिटीजनशिप ले सकते हैं अगर आप वहाँ के रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज के समय में करीब 50 ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर आप इजीली सिटीजनशिप ले सकते हैं। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज में करते हैं उतने ही चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपको जल्द ही सिटीजनशिप मिल जाए। और दुनिया भर के काफी अमीर लोग ऐसे हैं जो इस टाइप की सिटीजनशिप को यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की 10 ऐसी कंट्रीज के बारे में जहां पर आप काफी कम पैसों में वहां की सिटीजनशिप ले सकते हैं। साथ ही इन कंट्रीज में आपको लो क्राइम रेट भी देखने को मिलेगा, साथ ही आपको यहाँ पर अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10 पे है यूक्रेन। दोस्तों, यूक्रेन के कानून में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए हैं अगर आप वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और आप किसी और कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर काफी ज्यादा फॉरेनर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर आपकी एज 18 ईयर से ज्यादा है तो आप इस कंट्री में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस कंट्री में आपको परमानेंट रेसिडेंटशिप मिल जाएगी अगर आप यहाँ पर $100,000 यानी कि इंडियन रुपीज में करीब 73 लाख रुपीज के करीब, जैसे ही आप यहाँ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ के परमानेंट रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई करते हैं, उसके 15 डेज के बाद आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको यहाँ के लीगल प्रोसेस को फास्ट करना है तो आपको यहाँ पर कोई लोकल प्रोफेशनल कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए। जैसे ही आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिलती है उसके बाद आपको 1 ईयर तक इस कंट्री में रहना होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ की परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाएगी। नंबर 9 पे है टर्की। अगर आप इस कंट्री की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो आपको करीब 1,80,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में करना होगा, यानी कि करीब $2,50,000। और अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप इस कंट्री की रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस ब्यूटीफुल कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती है तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, जैसे कि आपको 111 कंट्रीज में वीजा फ्री एंड वीजा ऑन अराइवल एक्सेस मिल जाएगा। 2020 में कोविड जैसा पेंडेमिक होने के बावजूद भी यहां पर करीब 2600 एप्लीकेशन भेजे गए थे, यानी कि करीब 2600 ऐसे लोग थे जिन्होंने यहां के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था और यहां की सिटीजनशिप लेने के लिए अप्लाई कर दिया था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंट्री की सिटीजनशिप लेने के लिए भी लोग काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। पर ऐसा कहा जाता है कि टर्की एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, जिसकी वजह से यहां पर अदर रिलीजन को फॉलो करने वाले उतने ज्यादा अप्लाई नहीं करते हैं और ज्यादातर यहाँ पर अप्लाई करने वाले लोग मिडल ईस्ट एंड मिडल अफ्रीकन कंट्री के होते हैं। नंबर 8 पे है उरुग्वे। अगर आप दूसरी कंट्री की नागरिकता के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कंट्री को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ये साउथ अमेरिकन कंट्री भी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए काफी पॉपुलर मानी जाती है। यहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम काफी मजबूत है। इस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ही, साथ ही यहाँ पर सोशल स्टेबिलिटी भी मौजूद है और इसीलिए काफी लोग इस कंट्री की सिटीजनशिप लेने के लिए भी इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर आपको बैलेंस एंड अफोर्डेबल लाइफस्टाइल को जीना है तो आप इस कंट्री के बारे में भी सोच सकते हैं। साथ ही इस कंट्री का कल्चर भी काफी अच्छा है। अगर आपको इस कंट्री की परमानेंट रेसिडेंटशिप लेनी है तो उसके लिए आपको जैसे ही रेसिडेंटशिप परमिट मिलता है वैसे ही आपको 3 साल तक इस कंट्री में रहना होगा और उसके बाद ही आपको परमानेंट रेसिडेंटशिप मिल जाएगी। इस कंट्री का रेसिडेंट परमिट लेने के लिए आपको करीब $1,50,000 का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना होगा। नंबर 7 पे है कोलंबिया। रिसेंट टाइम में लैटिन अमेरिका की इस पॉपुलर कंट्री को भी लोगों ने काफी पसंद किया है। अगर आप किसी सेकेंडरी कंट्री की रेसिडेंटशिप लेना चाहते हैं तो आप इस कंट्री को भी देख सकते हैं। अगर आप इस कंट्री की रेसिडेंटशिप को परमानेंटली वैलिड रखना चाहते हैं तो हर साल आपको एक दिन के लिए इस कंट्री को विजिट करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको साल में एक बार इस कंट्री को विजिट करना ही होगा, तभी आपकी परमानेंट रेसिडेंटशिप वैलिड रह पाएगी। और अगर आप $150,000 को इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ की परमानेंट रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं 1,10,00,000 के करीब। दोस्तों, कोलंबिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप 5 साल रहने के बाद इजिली डुअल सिटीजनशिप को रख सकते हैं, यानी कि आपको अपने प्रीवियस कंट्री की सिटीजनशिप को खोने का डर नहीं रहेगा, आप 2 कंट्री के पासपोर्ट इजीली रख पाएंगे। नंबर 6 पे है लाटविया। दोस्तों, इस कंट्री में चलाया जाता है गोल्डन वीजा प्रोग्राम, जिसके अंदर यहाँ के इन्वेस्टर को करीब 5 साल का वीजा परमिट मिलता है। इस प्रोग्राम के अंदर
यहाँ के इन्वेस्टर को करीब 5 ईयर का रेसिडेंस परमिट दिया जाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे करीब $250,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो कि होते हैं इंडियन रुपीज में 1,80,00,000 के करीब। इस कंट्री में यहाँ पर 5 साल रहने के बाद आपको यहाँ की परमानेंट रेसिडेंटशिप मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ से फ्लाइट लेते हैं तो आप 90 मिनट के अंदर ही मॉस्को पहुँच जाएंगे। और अगर आप यूरोपियन कंट्री को बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल ही रहने के बाद यहाँ की परमानेंट रेसिडेंटशिप मिल जाएगी। इसीलिए यह कंट्री यूरोपियन कंट्रीज के लोगों में काफी ज्यादा ही पॉपुलर है। नंबर 5 पे है मॉन्टेनेग्रो। अगर आपको इस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती है तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं करीब 137 कंट्रीज में, वो भी वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी के साथ। इस कंट्री में सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था इन ईयर 2019 में। अगर आपको यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए और आप रियल एस्टेट के थ्रू यहाँ की सिटीजनशिप को लेना चाहते हैं तो आप इजीली गवर्नमेंट अप्रूव रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको करीब $250,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन के लिए। और अगर आप कोस्टल रीजन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करीब $400,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी कि करीब 3 करोड़ का इंडियन इन्वेस्टमेंट। नंबर 4 पे है ग्रीस। दोस्तों, इस कंट्री का रियल एस्टेट सिटीजनशिप प्रोग्राम यूरोपियन कंट्रीज के बीच काफी ज्यादा ही पॉपुलर है। यहाँ पर काफी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके थ्रू आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, पर सबसे ज्यादा यहाँ पर पसंद किया जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को ही। आपको यहाँ की सिटीजनशिप के लिए करीब $300,000 का इन्वेस्टमेंट करना होता है, जो कि होते हैं 2,20,00,000 रुपए के पास। यहाँ की सिटीजनशिप के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ की रेसिडेंट प्रॉपर्टी को ही खरीदे, आप यहाँ की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को भी खरीद के यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आपकी एक ही प्रॉपर्टी की कीमत $300,000 हो, फिर चाहे आप उसमें एक प्रॉपर्टी को खरीदें या छोटे छोटे 5-6 प्रॉपर्टी को खरीदें, आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीब $300,000 का होना चाहिए। और अगर आप चाहें तो 2 से ज्यादा बायर मिलके भी इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक अलग प्रोग्राम चलाया जाता है। इसीलिए आपको जैसे ही रेसिडेंटशिप मिले उसके 2 साल बाद आप परमानेंट रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पे है सेंट लूसिया। दोस्तों, ये कंट्री एक काफी पॉपुलर आइलैंड कंट्री है। इस कंट्री में सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इन ईयर 2016 में। आप इस कंट्री में गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर वो गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए। साथ ही अगर आप चाहे तो इस कंट्री में डोनेशन भी देके यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं। और अगर आप पूरी फैमिली के लिए यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं और आपके फैमिली में करीब 4 लोग हैं तो आपको करीब $195,000 का इन्वेस्टमेंट करना होता है, जो कि होते हैं करीब 1.5 करोड़ के करीब। सिंगल एप्लीकेशन के लिए करीब 73 लाख रुपीस। अगर आपके पास सेंट लूसिया कंट्री का पासपोर्ट अवेलेबल है तो आप इजीली 146 कंट्री में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल एक्सेस ले सकते हैं। नंबर 2 पे है माल्टा। इस कंट्री में मल्टी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को चलाया जाता है, जो कि अदर कंट्री के कंपैरिजन में थोड़ी एक्सपेंसिव मानी जाती है। इस कंट्री में सिंगल पर्सन को करीब $250,000 का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी कि आपको इंडियन रुपीज में करीब 1,80,00,000 रुपीज तक देने पड़ेंगे एक जन की सिटीजनशिप के लिए। और अगर आप चाहे तो यहाँ के नेशनल डेवलपमेंट फंड में भी इस पैसों को डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ की कोई रेंटल प्रॉपर्टी को 3 साल के लिए खरीदते हैं और उसका टोटल अमाउंट करीब $150,000 होता है तो भी आप यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे है पोर्तुगल। इस कंट्री में गोल्डन वीजा प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर सिटीजनशिप प्रोग्राम चलाया जाता है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज के बीच काफी ज्यादा ही पॉपुलर है। साथ ही यहाँ का रियल एस्टेट प्रोग्राम काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और आपको काफी सारे बेनिफिट यह कंट्री प्रोवाइड करती है। इस कंट्री में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम करीब 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था और पोर्तुगीज गवर्नमेंट इसे काफी ज्यादा प्रमोट भी करती है। यहाँ की सिटीजनशिप के लिए आपको करीब $400,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होता है, जो आज के समय में इंडियन रुपीस में होते हैं करीब 2.93 करोड़ रुपीस। इस कंट्री में रियल एस्टेट में आप जब इतना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आप अपनी पूरी फैमिली के लिए यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहे तो अगर आप इस कंट्री में नहीं रहते हैं तो भी आपकी सिटीजनशिप वैलिड रहेगी, तो ये एक काफी ज्यादा बेनिफिट वाला ऑप्शन है और इसीलिए ज्यादातर लोग इस कंट्री की सिटीजनशिप लेना भी पसंद करते हैं। यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए सिर्फ एक कंडीशन को फॉलो करना होगा,
जैसे ही आपको यहाँ की परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाती है तो उसके पहले साल में आपको यहाँ पर 7 दिनों के लिए रहना होता है। उसके बाद आप चाहे तो रहे या न रहे, आपकी सिटीजनशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास इस कंट्री का पासपोर्ट होगा तो आप इजीली करीब 183 कंट्रीज में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल का एक्सेस ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इनमें से कौन सी कंट्री की सिटीजनशिप लेना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपको इस चैनल पर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल जाएगी तो उन्हें भी ज़रूर देखें और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।